तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, प्लेन बंदे तो बिल्कुल। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां आपको देखने मिलती है खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रिव्यू और बहुत सारी भर भर के बकचोदी विद एड ब्रेक्स। एड भी अपने ही है, तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो, दिखाते रहिए प्यार, करते रहिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट। और एड आएगा अभी एक सेकेंड में। एड भाई, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे ऐड आने लगे हैं, तो प्रमोशन भी तुरंत मिल गया है हम लोगों करने के लिए। प्रमोशन जिस चैनल का, एक चैनल है उसने बोला प्रमोट कर दो, तो जिस चैनल को हम लोग प्रमोट करने वाले हैं उसका नाम है रोड ट्रिप्स, जो कि हमारा ही व्लॉग चैनल है। आखिरी में वीडियो की मेरी खोपड़ी के ऊपर वो चैनल आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग प्रमोशन। आज का सेगमेंट कुछ अलग है, तो वही सेगमेंट थोड़ा सा नहीं अलग है, बहुत अलग है। पहली बार नहीं, दूसरी बार बोल सकते हैं अपने चैनल पर। और क्या है सेगमेंट, तो भाई तो बता ही देगा। पहली बार तुमने पायरेसी की थी ना, इस बार हम लोग पायरेसी नहीं कर रहे हैं। तो इंडियाज गॉट लेटेंट का पूनम पांडे वाला ईपी ट्रेंड पे चल रहा है, तो देख रहा हूँ सब लोग हाथ धो ही रहे हैं उसपे, हम लोग भी थोड़ा सा मार देते हैं हाथ। तो हाथ मारने आए आज, और हमारे टारगेट्स जज रहेंगे, है ना? हम लोग जज को जज करने वाले हैं। तो या तो 1 घंटे का पूरा एपिसोड डाल देंगे, या फिर 2 पार्ट में आएगा ये रिकॉर्ड, पूरा डाल देंगे। तो जैसा हमें सही लगेगा ड्यूरेशन के हिसाब से वैसे करते हैं, बाकी शॉर्ट्स तुम्हें मिल ही जाएंगे। शुरू करते हैं, है? Yes, let's show, वो लंबी सीरीज है, लंबा वीडियो है, मजा आएगा। Hello and welcome to India's Got Talent. एक अननेसेसरी रियलिटी शो। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। इट्स अ क्रेजी शो, एनीथिंग कैन हैपन। कुड बी द बेस्ट शो, कुड बी द वर्स्ट शो। इट्स अ पॉइंटलेस रियलिटी शो, बट इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सिस्टम। इंडिया के कोने कोने से लोग इस शो में अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे। उनके पास केवल 90 सेकंड होंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, लेकिन अपना टैलेंट दिखाने से पहले उन्हें खुद को 10 में से स्कोर देना होगा। टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी उनको स्कोर देंगे, और अगर जजेस का एवरेज स्कोर वही निकल गया जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा, और उस दिन के शो के टिकट सेल्स का सारा पैसा उनका हो जाएगा। जी हाँ, इस शो से हमें पता चलेगा कि कौन कितना सेल्फ अवेयर है, और इस शो के यूट्यूब व्यूज से हमें पता चलेगा कि कौन कितना बेरोजगार है। तो बस शुरू करते हैं। हम लोग रिएक्शन देखे इंसान, तो उन लोग लेटेंट वाले नहीं कर पा रहे वो चीज जो इंसान यहाँ ढूंढने आ रहा है। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आ पा रहे, यहाँ एंजॉय करने आ रहे हो। थैंक यू फाइन, आज भी यहाँ आने के लिए। I hope you don't mind. I mean, who doesn't know Poonam ji? Everybody has 4G. Thank you so much for coming, Ab. Thank you, fine. And aaj bhi yahan aane ke liye. I hope you don't mind. No. Let's go! Yay! You're pretty cool, यार। क्या क्या सोच के आया आप लेटेड में? मतलब you know, खुद की actually अगर मरवानी हो उसके लिए तो only fans रखा है आपने। तो thank you so much, जोरदार तालियां फॉर पूरा। यहाँ पे तो क्या कहोगे, तो मरवानी वाले सीन। हाँ, proud तो ऐसे feel करे जैसे फौजी है। Border लड़ लड़के आ रही है। Only fans खोल रखा है मैंने। ये भी खैर बहुत लोगों का रात की वो वॉरियर है ना। वो वाला है क्या, पति फौज में बीवी मौज में, तो ये वो वाली बीवी बनेगी क्या फौजी की? गलत ये हो रहा है, मौज ही रहती है। सॉरी, वो क्या बोलते हैं,
फौजियों के लिए वो मांगते हैं ना हम लोग, अरे क्या बोलते हैं उसको, एक चीज मांगी जाती है भीख नहीं यार, भीख मांगी है फौजी के लिए। अरे यार किसी यार कुछ अन्याय होता है तो उससे हम कुछ मांगते हैं ना कि इसको वो दिलो, इंसाफ 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 फॉर फौजी, काट देना भीख। We also have Vidit Gujarati here because all the good chess players said no. Sagar Bhai is here because Amruta is out of town. Who's Amruta? His sister, my friend. My friend, bolo thoda at least. Sister, to ghar leke jao, wapas ghar jana hai. We also, oh, we have Vic. What the fuck? Bhai, kya kar diya ye? Raji, pressure mein mut rahe ho aap. Fail diya jayega abhi. बॉडीगार्ड मेनली इसीलिए रखे हैं, साफ सफाई करते रहे, नहीं किया ये करेंगे, सॉरी सब गिरा दिया, गॉट एक्साइटेड, सॉरी। पूनम जी के आसपास टिश्यू तो बनते हैं। वेलकम टू द शो भाई, यही है शो। ओके लेट्स स्टार्ट, आर यू रेडी फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट? So let's have a round of applause for the first star of the night, Viral Mistry. Man vs Wild के Bear Grylls मुंबई आ चुके हैं, तो उनका experience बता रहा हूँ। मैं इस समय मुंबई की local में हूँ और शाम के 8 बज चुके हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं कि मैं किस हालत में हूँ। अगर मुझे अपने घर जाना है तो मुझे किसी भी हालत में अगली ट्रेन पकड़नी होगी। हालांकि आप इस तरह के अनजान शहर में फंस जाए तो अपने दोस्तों की मदद जरूर ले, क्योंकि वो ही है जो आपको ट्रेन में चढ़ा सकते हैं, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपकी जान 10 मिनट में चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ट्रेन 10 मिनट लेट होगी। काफी भीड़ है, कोई मुझे धक्का मार रहा है। एक्सक्यूज मी, ये आपका कोई सामान तो नहीं लग रहा, ये कुछ और ही। देखा आपने, अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो कोई आपकी मार के चला जाएगा। पूरा पांडे जैसा जो कर रहा है, समय के कॉलेज में जाते हैं। ये तो मेरा वाला। हम आए हैं पुणे के पीवीजी कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई की है। यहाँ की काफी प्रोफेशनल कोर्सेस अवेलेबल हैं, फिर भी कुछ चुनिंदा एम्प्लॉइज ने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की है। क्यों समय, सही कहा ना, जीवन में कई बार हमारे गलत फैसले ही हमें कुछ ऊंची बुलंदियों पर ले जाते हैं। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आईटी का सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग को अपना जज मान लेगा। नेक्स्ट एपिसोड, साउथ अफ्रीका का वाइल्ड लाइफ। साउथ अफ्रीका के घूमी घूमी नेशनल पार्क में ये प्रजनन का समय है। हाल ही में मजा आ गया भाई, प्रजनन बोले मैदानों में, उसके लिए हो गया ना पूरा ओनली फैंस। ऐसे में ये नर जिराफ जानता है कि नर जिराफ ऐसे में ये नर जिराफ जानता है कि साथी मिलने का ये सबसे अच्छा समय है। ओ, साथी पूरा फेल दिया है। एक जवान मादा पर उसकी नजर है। ओ, जवान है बूढ़ी, अभी तो बूढ़ी हो गई। ये जानने के लिए कि वो प्रजनन करना चाहती है कि नहीं, उसे मादा की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए नर मादा की पीठ पर अपना सर रगड़ता है। ये चीज अगर कि तू बन गया तो इसके हाँ। पीछे ही पड़ेगा। करने का समय मादा की पीठ पर सर रगड़ेगा तो जाके लड़के जबकि मादा चाहती है नहीं उसको स्किप कर दिया, और स्फूर्तिला और आकर्षक नर दिखावा कर दिया कि समय रहना नेवर हेजिटेट। मैं तो शो देख के इसका लगता है जिराफों का नियम, ये ऐसे ही नहीं होता कि गेस्ट आपके घर में आए हो तो वो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है उस टाइम पे, और आपका घर है आप कुछ भी कर सकते हो, वही ये करता है। मतलब उस गेस्ट का मजाक उड़ाते हो, थोड़ा हंस के क्या गाली देंगे, क्या क्या रिप्लाई करते, बाकी कुछ नहीं भाई। जैसे मैं अपने लौंडे बुला लूँ अपने रूम में, चार लोग छह को, और सबकी मौज लूँ, तो लौंडे मुझे बताया लौंडे कुछ कर नहीं पाएंगे, तो क्या ये वो हंस कर मेरा सरकाजम लगे हमको। तुम्हारा वो चीज़ फिर भी एक वो है कि हाँ दोस्ती यारी में हो रहा है, ये तो बिकाऊ है ना सारे। हाँ पैसा लेके और पैसा लेके चेस खेलता है बेचारा, उसके बताओ एक प्रजनन करने के लिए खोपड़ी देती है, उसके दोस्त तो क्या ही गांड फाड़ेंगे। वही अब ये सीन था क्या हुआ हम बताएं, जैसे कि अब कॉलेज में थे हम लोग, मैकेनिकल वाले बैठ जाते थे ग्रुप में, अब सीएस वालों को खड़ा कर लिया जाए, अब उनकी मौज लेंगे क्या करेंगे।
मतलब वही वाला सीन बन रहा है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकते, हंस नहीं है कि वो कुछ बोल देंगे तो फिर ले लेगा भी, जो किया वही हम लोग क्वारंटाइन करते तो वही आकर के बैठ रहा है। तो वीरल मिस्त्री भाई, वीरल है आपका? हाँ वीरल, वीरल कहाँ रहते हैं आप? मीरा रोड में। अच्छा, वहां से बहुत कलाकार आ रहे हैं आजकल भाई, मीरा रोड में हो क्या रहा है भाई? बस लेटन चल रहा है अब सब जगह। तो ये आपने कहाँ सीखा ये? आप बहुत बेयर ग्रिल्स को देखते हैं? हाँ मतलब ये सीखा नहीं है, मतलब ये बचपन से टीवी देख देख के ये ऐसा आ गया है ये इसमें। डू यू डू दिस प्रोफेशनली एनीवेयर? भाई फर्स्ट टाइम स्टेज पे आ रहा हूँ, हाथ नहीं हिल रहे मेरे, बिठा ना दिया भाई। दैट्स व्हाट आई कुड सी है ना, मैंने अपना कंफर्ट जोन निकालने के लिए मैं आया हूँ, बाकी मैं तो मुझे पता ही नहीं था ये सब होता है। तो आपको लग रहा था कुछ और दबाने जा रहे हैं, आ जाते हैं एक बार देखते हैं क्या होता है। पांच एपिसोड देखे। अरे यहाँ एक हाइना भी है, ये डायरेक्ट ऑफिस से आ रहा है क्या? लगता है कि ऑफिस से आ रहा है, लगता है इसका प्रजनन का समय आ गया है। प्रजनन, ये गांड है क्या जिसको तोड़ दिया था? कभी कल गलती से ही बोलेगा बनाया तो इसे कुछ क्या, तो हम तो डायरेक्टली बोल सकते ना, वो खुद ही क्लेम करती है एक गांड एक गांड। तो चेस्ट में सीधा खड़ा हो गया भाई। आप तो बहुत घूमे हैं दुनिया भर, आप इतने सारे फॉरेनर लड़कियों को मिले हैं, तो क्या लगता है आपको कि why you still want Indian girl? भाई बहुत मजा आया, वीरल मिस्त्री ने जोर ऑल द बेस्ट भाई, आई होप यू फाइंड व्हाट यू एवर यू, हम तो स्कोर ही दे सकते हैं। ब्रो आई लव्ड व्हाट यू डिड ब्रो, आई एम गोना गिव यू 9। पूनम जी मुझे भी आपको मन कर रहा है 10 देने का, 10 10 लेट्स गो, सो दैट मेक्स योर एवरेज 9.5। अरे इन्होंने 8 दिया रहे, तुमको देख लिया ना, अरे यार नो फर्स्ट टाइम था तो क्या लिखूं नंबर, पहचान अपने को ज्यादा ही किल कर दिया, बहुत अच्छे रहे आप यार, एक बार जोरदार ताली बजाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट मधुरा जोशी, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, कुमार तो फंस ही जा रहा है, पानी क्या ही सीन है भाई। मिट्टी दी खुशबू आई, वो स्कोर बोला होगा, उसके मन में कॉन्डम आ गया होगा, उसके मन में कॉन्डम आ गया, देख के देगी जो मिमिक्री किया उसके लिए तो मैं 10 दे देता हूं। लेकिन इसने अपने आप को 8/10 दिया। वो तो पता किस चक्कर में बैठी है कि थोड़ा सा हिल जाऊं तो कैमरा एंगल में कुछ मिल जाए लोगों को देखने का, वैसे ही कर रही है। देख मधुरा जोशी यार, मतलब वो पोज नहीं बैठी है इतना, आप थके थके से लग रहे थे यार। नहीं, I was just very nervous, that's all. आप मग रख सकते हैं गिटार, no stress. अच्छा, आपका टैलेंट तो बहुत आ गया। मजा तो आया भाई, हाँ सुन के बहुत सही ऐसा सुर था। So is this what you do full time? No, गाने में खो जाती हूँ सब लोग मेरे को, क्या करते हैं आप? बट हो तो तुम वही ना, डिजिटल मार्केटिंग, ओनली फैन, ओनली फैन। लोग पैसा खराब करते हैं, बड़े सीरियस हैं यार आप।
अरे आप आराम से रहिए यार, कोई हम ऐसा कुछ नहीं यार, रिलैक्स हो जाओ। यहाँ लिखा तो ऐसे ऐसे चीजें बिलीव नहीं रहा इसने किया है। I attacked the teacher once. और ऐसी है ये नॉर्मली। साइको तो नहीं हो ना? घर जाके अलग ही रंग आ जाएगा आपका। This is an act to layer. बस दिख खुदाई बोली ना, वो अपना सोच ली खुदाई तो मैं भी कर देती हूँ। Victims. खुदाई या फिर C. They become a victim after I attack them. C से खुदाई। ये तो गाड़ वाड़ देती होगी उनको भाई। मिट्टी दी खुशबू, आधा सेकंड बचा था इसका। गाना तो याद होगा, उतना ही सीख किया है। गाना तो नहीं आता। अरे स्केरी है यार। यू वंस हेल्ड अ बेबी अपसाइड डाउन, क्या था ये, कौन से कहां किया था आपने ये? मतलब मेरे चाची का बेटा ही था वो। तो जिसका भी था ये तो करना गलत है ना भाई। I was probably 6 or 7 years old. But still, it's a psychotic thing to do, right? Yes, yes. तो वो बच्चा आज के ज़माने में क्या कर रहा है वो? वो है ना मतलब। है वो। मतलब कुछ नहीं करता। मेहरबानी आपकी। उसका मतलब कुछ नहीं करता। जोर बोल। मैंने ज़िंदा छोड़ दिया उसको। ये परेशान है तेरे को बोलने में। इसको डिप्रेशन की असली महिमा। क्या हो गया इसको भाई सड़क? ये परेशान है तेरे को बोलने में। मधुरा जी आपका बॉयफ्रेंड है? उल्टा कर दिया। अब यहाँ मैं वो क्यूरियस कौन सा स्कूल लिखा, कौन से शहर से सब लोग वो समझते होंगे ना। नेम द स्कूल सो जैसे आजकल मोटे लोगों को। आई कांट डीफेम द स्कूल। डीफेम तो आप खुद को कर रहे हैं। वो चलेगा। स्कूल को इन्फॉर्म कर रहे हैं आप। उसने बोला कार, उसको सुनाई दिया। आई जस्ट से गुजरात। गुजरात? नहीं नहीं मैं मराठी। आपने लिखा है तो आप गुजरात में क्या कर रहे थे पढ़ने के लिए? स्कूल गुजरात में किया आप? हाँ, पापा की जॉब वाज इन गुजरात। अच्छा, पापा हैं? पापा है। पापा को पता है ये सब किया आपने? हाँ, उनको पता है। क्या बोलते हैं फिर वो? तो भाई एक डॉक्टर तुरंत पैदा हुए बच्चे को उल्टा टांग के गांड पे थोपी मार सकता है। ये इंटेंशन क्या था? मेन मैटर तो वो करता है ना। मुझे लग रहा है कुछ तो घर में रुक बैठ सोचती होगी। बाय बाय पॉइंट देते जल्दी। आपने बोला आप नॉर्मल है आपके कंपनी में, तो अब बाकी का क्या ऐसा है कि जो आपको लगता है कि आप नॉर्मल है उनके कंपैरिजन? बेसिकली ही इज आस्किंग और महीप जी आल्सो आस्क। छोड़ दिया। मम्मी कैसी है? मन नहीं था उसका। जाने कुछ और मम्मी फर्स्ट क्लास ऐसे थोड़ा नॉर्मल से पहले बोल काफी काफी क्या करते हैं आपके मॉम? लेकिन बिहेवियर नॉर्मल। मतलब आई एम सो शॉक्ड यार मधुरा जी, आई होप दिस इज ऑल मेड अप। नो भाई डर लग रहा है यार। आपको क्या, आप तो वापस आ जाएंगी। हम तो नहीं कर पाएंगे भाई कुछ। विदित भाई का तो रेटिंग में कम बैक नहीं हो पा रहा। अगर एपिसोड बाहर आता है क्या ही करेंगे तो आप अंदर नहीं जाएंगे? स्माइल करके चले जाएंगे। वो होगा असली लॉकअप। इसका बाप होता है। अगर ये एपिसोड बाहर आया क्या रूटीन में सो गया होता है आपके जान जाएंगे। फिर आपके दोस्त कौन बनेगा? अभी भी नहीं है। ओह सरप्राइज। अच्छा साइकोलॉजी में सबको ऐसे लगता है। How come she doesn't have friends यार? पर ठीक है यार, time to give her an FIR, time to give Madhura Joshi some marks. तो मैं मधुरा जी आपको देना चाहूंगा। घड़ियां आएगी पेल पाल लेते किसी को। मैंने दिए हैं 0.5। नहीं मैं आपको 5 देती हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स। 5 इनको डर नहीं लगता। पांच को दिया आपने? Because of a singing. I mean I couldn't hear what I was singing so I don't know, maybe it was really bad. Could you hear what you were talking? Psychological disorder सबको। भाई कैसे कर? भाई ये अपने आप को बचाने के लिए घर वालों भी इसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये कॉमेडी करने की कोशिश कर रही है चक्कर में। I like your smile. भाई
कुछ अडल्ट जोक अपने को डलवाने के। मैं आपको देना चाहता हूँ 6 से 8 और जज भी उतना देने वाले हैं। डलवाना ही है ना। 6-6 अरे बलराज भाई को वापस ला यार कोई। 6 from this side that makes your average 5.5. No way. 8.5. Oh my god. Yeah. So sad, yaar, you didn't win. Ye to unhi tha bhai. Thank you so much, Madhuraji. Obvious tha bhai. Next we have Rajesh Yadav. आजा तुझको भी दिखाऊंगा तो कैसे बनाते हैं। क्या बात है भाई। पूनम पांडे ऑन ओनली फैंस। सब्सक्रिप्शन लेने जा रहा है। कितना दी होगी तो ज्यादा दी होगी 8-9। वेरी कूल यार। आप वो भी करते हैं जो बिल्डिंगों से कूदना होता है। अच्छा क्या चुराया था लास्ट? देखते हैं भाई राजेश जी को क्या करते हैं ये लोग। जामुन चुराया था। जामुन नारियल सीधा नहीं खाऊं ये सब मैं तोड़ते रहता हूं। भैंस घर में दो चढ़ लेते हैं। हां वाओ यार मजा आता है। राजेश यादव यू लाइक स्टेज पे। इसको जानते हैं? इसको कहीं देखा है आप? मैजिक करता हूं। अच्छा मैजिक सुबह शाम गोबर डाल डाल के पूरी फुर्ती आ गई बॉडी। तो ये तो पूनम पांडे करती है। ये क्यों हैं पूनम पांडे को दिखाने के लिए पलट भी जाती है। पूरा नहीं पलटना चाहिए। लेकिन ही इज गॉट अ गुड बॉडी। हां फेस नहीं है बट बॉडी बहुत अच्छी है। फेस भी है यार ऐसा थोड़ी है यार। हम लोग बुलाना चाहिए इसको। तोड़ने वाले परफेक्ट बताएंगे कैसे करते हैं। रहते हैं कम जगह पे ठीक कर दिया भाई इसने। हाँ, अपने का उसको अपना दिखाना था। वहां रहते हैं आप? हाँ। वहां से तैर के आए हैं अभी आप? नहीं तैर के नहीं बोट से आए। अच्छा बोट पे चलाते हैं आप? भाई क्रेजी लोग ऐसे कर रही है। वो सीक्रेट काम है उसकी बात लोग पता चल जाए। भी सीखना है हार्ड है ना थोड़ा। आप मुझे भी सिखाएंगे? एक चीज तो आती है आपको इसमें उसको सब्सक्रिप्शन लेने जा रहा हूं। आपको कौन सी वाले सीखनी है? जंप वाली हरदीप पॉइंट से बात सीखना है आपको। सीख सकते हो मैं बोल रहा हूं वो आई की सबसे बड़ी वो खुद हो रही कि मेरा थोड़ा पैसा सागर शाह अमृता लूट है मार गया करते वो सब करना है मुझे। मैं खुद के लिए सोच रहा हूं कि भाई मैं बहुत टाइम ट्राई किया था। डू यू वांट टू ट्राई नाउ? या या प्लीज प्लीज कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो। देखा यादव नाम तो भाई चश्मा शर्ट तो सागर तो ये क्या बॉर्डर पार कर रहा है एकदम सही भाई। भाई मैं भी नहीं जाता नहीं है तो बिल्डिंगों के नीचे से कैसे जाते हैं सिखा रहे हैं। ये कर सकते हैं आप? ये कैसे कर सकता हूँ? ये सिखाया ही नहीं। मंकी क्रॉल करा रहे करो। अरे कहाँ जा रहे हो आप? ये बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे करना है। मेरा ड्रीम है तो ड्रीम है आपका? हाँ मेरा वही ड्रीम फिल्म करना सीखना।
वो बिल्डिंग में कुछ नहीं है सर. तो फिर क्यों जाना है वहाँ पे आपको? ऐसे जम करना है सर, वो मजा आता है. अब जमीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आता है. जब आप डर को देखते तो मजा आती है. तो आना था आप वो चाह रहे तो पंडे आए तो दिल्ली के मनुष्य को भगा दिया सर भाई. मेरे तो दोनों जामुन निकल गए थे. एक बार 16 था राजेश यादव के यार. एक बार क्लिप सिखाना था. टाइम टू स्कोर यू मेरे भाई. आई हैव रियली लव्ड यू. आई हैव गिवन यू 10 ऑन 10 मेरे भाई. गरा तेरे बस का इतना ही है भाई. आहिर रेजिमेंट आई एम गिविंग यू 8.5 मेरे भाई. 9 भाई 10 यार. मेरे को तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर फिल्म सिखा दिया. 9 from Vivek Desai, that makes your average 9.5. Whoa, sahi sahi sir, thank you sir. लौड़ा नहीं है क्या? ये कैसे छोड़ दिया ही नीचे इसके भाई? कोई नहीं सर, आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात. ना क्या, ये तो कुछ भी हो जाएगा भाई. ये तो अंबर शर्मा. माय स्टेज नेम इज लियो बाबा. सो लेट मी स्टार्ट. जिन्होंने समझा मुझको हल्का नाकामयाबी दिया तब सहारा मुझे बोतल और जाम दे. तू गली गली भीख मांगी मुझे काम दे, क्योंकि जब पढ़ना था तो कर रहा था आराम में. घर वालों के रेपुटेशन की तो लग गई, पेड़ेगी तो नौकरी भी लग गई. फोन करते शादी करा दो, लड़की पैसे वाली समझो लॉटरी लग गई. बात लगी दिल पे दिमाग हुआ चीप. फॉलो ना हुआ आई एम ऑन पीक. घर फोर वो कितना दिया आपने? मेरी चीप. अब बोले सारे शर्मा जी के लड़के से कुछ सीख. सीख 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 मेरी कहानी से कुछ सीख. चीख 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 बेबी नाम मेरा चीख. सीख 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 मेरी कहानी से कुछ सीख. कमाई मैंने जनता ना मांगी कभी भी. 12 साल जिंदगी आ गई मेरी भाड़ में. असली नॉलेज मिली 12वीं के बाद में. टॉप करके 12 साल खुद को समझे पार में. आज हूँ मैं फेमस, घूमू इनसे महंगी कार में. ना चलते यहाँ पे मार्क्स, ना चलती बातें छोटी. चलता सिर्फ वो जो रखी गड्डी मोटी. बर्गर पिज्जा खाने वालों की होती इज्जत. समझते गरीब जो खाते सब्जी रोटी. चलते चलते लगे अब वही नाच रहे मेरे इन तरानों में. कमाई मैंने जनता ना मांगी कभी भी. मेरी चार लेने भारी इनका पूरा मेरा वीक. पैशन ही दिलाएगा तुम्हें एक दिन जीत. क्या बात है भाई अंबर शर्मा. So sweet, by Ambar Sharma ji. It was a nice rap, really. So it was some, I said, motivational story. Thi. Kya hua aapke saath aisa? So ye mera hi ek like story hai ki maine rap karna tab start kiya tha jab log mere ko aisa pair pe bahut bolte the. Kya hua aapke pair ko, if you don't mind? Mera knee nahi hai. Aapka knee nahi hai? Nahi. Kya matlab? Matlab by birth hi nahi hai. By birth hi nahi hai aapka? Nahi. To wahan kya hai fir? कुछ भी नहीं, ऐसे पूरा बस पैर है आपका. हाँ. तो क्रेजी है भाई. इसका पहले हो जाना चाहिए. मुझे दिखाएंगे आप बाद में क्या है अंदर? हाँ, शो शो. भाई क्या होगा उसमें यार? यहाँ तो लिखा है आप फुटबॉल खेलते हैं. हाँ जी हाँ जी. गोल कीपिंग करते हो मोस्टली? नहीं 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 नहीं, आई एम अ सेंटर फॉरवर्ड. सेंटर फॉरवर्ड, तो आप मतलब कैसे खेलते हैं आप फुटबॉल? बस लाइक मैंने कभी ऐसा मेरे पैर ने किसी चीज़ के लिए रोका नहीं. इट्स लाइक मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, बैडमिंटन, साइकिलिंग, स्विमिंग, एवरीथिंग. वाओ. चेस ये बोलते तो भाई, ये सब्जी रोटी की कर रहा है. चेस का भी एक सीन है. आई कैन रिलेट टू चेस. आई नो घोड़ा ढाई चलता है. ये इसका शरीर देख ना, ये खुद सुबह शाम बर्गर पिज्जा खेल के आया भाई. तो दोगला कैसे आदमी दोगला की प्रयोग ले रोक दिया. क्या बात है भाई. भाई यहाँ पर ना जो और वो लड़की जो आई थी जूसी, बढ़ाना ऐसा कुछ यार. तो आप लात मार पाते हैं इससे? हाँ जी हाँ जी. एक बारी ना एक मारेंगे ऐसे ही चल भी रहा.
ओ भाई तो घुटने का फिर क्या यूज होता है लाइफ में? बस पैर मुड़ता नहीं है। आपका पैर मुड़ता नहीं है? बस हाँ, और कुछ नहीं है। तो क्या बोलते हैं इस चीज को? मैं भी भूल गया। स्पाइनल बाइफीडिया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा है गार्ड में एक्सपर्ट, क्या है लात मारी उसने अभी? इसका नहीं है लात मारी, और क्या जुगाड़ करेगा भाई वो? क्रेजी आदमी आ गया भाई ये तो। आपने लिखा आई कैन फ्लर्ट विथ माय रैप, आप फ्लर्ट कर सकते हो रैप में? ये विकलांग में आया, एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। पूनम जी से पूछ लो पहले, उससे पूछ रहे हो आगे। यू नो एक्चुअली आई वाज गोइंग टू आस्क हिम दैट, बट देन मैं रुक गई बिकॉज़ यहां से कुछ आएगा। अगर इंडियन कोई वेस्टर्न ना बट ये थी क्या करता पूनम जी? आई एम अ बिग फैन। तो इफ यू डोंट माइंड फुटबॉल खेलता है, फ्लर्ट विद यू, गो अहेड मेरे भाई। एक शायरी सा बोल देता हूँ। क्या बात है के, इर्शाद, इर्शाद। के ख्यालों में है तू, इंडिया गॉट टैलेंट का, एक सेकंड पूछा ये क्या बता, गो विद समथिंग गुड। ख्यालों में कैसे दिमाग चाहिए ना, और जब बोलना ही नहीं, बोलना ही नहीं, दिमाग तो घुटने में। ओके, तेरी यादों में मैं कहीं खो गया, एक पैर पे सो गया। बैठे इसे माता चलिए, वो बैठता ऐसे करके ना। चलो इट्स अ गुड आइडिया, ओके लेट्स गो। वो गिर जाएगा भाई ये तो सोच कर। तो हर बार शायरी शुरू करना अलग ही में चले जा रहा है। अभी आपसे आइडिया लिया ना, सो गया वाला। अच्छा जाओ, तो इसलिए ओके। तो यादों में ठीक है, ओके। तेरे बारे सोचते सोचते मैं सो गया। ये तो नकली लात से वो मारे जो चल रहा है फुटबॉल खेल, इससे बड़ा जुगाड़ कुछ हो ही नहीं सकता। तेरे भगवान ने कुछ जुगाड़ कर दिया, मैं खो गया। सपनों में आई थी तुम और आंखों में मैं खो गया, और जब मैं उठा ना नींद से ऐसा लगा मर गया था दोबारा जिंदा हो गया। लिखा है आई लव स्टैंड अप शोज, तो आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? क्या पूछ रही होगी? समय भाई बस मेरा वो क्या बोलते हैं ना, पूछ करो मतलब फ्लर्ट करो वो तो कहते बहुत सही। जो अबे उसको कभी कभी मिलता है उससे इज्जत से फ्लर्ट करें तो बाकी सब लोग तो ₹5 बेच के उतारो ये भी वो सब चलता है। पता नहीं भाई, मैंने तो देखा नहीं, यही होता है पैसे दो जो तुम्हें करना है। व्हाट हैव यू सीन एनी ऑफ आवर वर्क? या समय भाई पूनम पांडे तो वो एक सेकंड क्या देखा है मेरे बारे में बता दो। लॉकअप मैं भूल गया, लॉकअप मुझे लगा कि वही रात में देखते देखते सो गया, सुबह तक डेटा पैक खत्म हो गया। तो एक बार जोरदार ताली अंबर शर्मा के लिए यार, वही सारी रैप मगर रहा है भाई, वही ना वो खुद भी बोला मैं रैप से फ्लर्ट करता हूं। तो इट्स टाइम टू स्कोर अंबर शर्मा भाई, आई हैव गिवन यू 9.5 भाई। उसको देख के कैसे करता है, इसीलिए नहीं करता वही नहीं है दिमाग है 8। आई रियली लाइक देम सो आई एम गिविंग 9। जो आपका एटीट्यूड है ना, इट्स टू गुड, 10। थैंक यू, अमेजिंग। I have also given 9.5 to funny. Both thank everything so and good awesome. Thank you so much. So that makes your average 9. What? ये था क्या वो थोड़ी की? क्या अच्छी थी? पार चाट लूँगा तुरंत। हाँ। बस सही खेल गया यार ये तो। आधा रह गया आपका बेचारा। लगा चटाई कर देंगे। वारी लंगड़ी इसको लंगड़ा बोल सकते हैं, लेकिन लंगड़ा नहीं चलता, सीधा थोड़ी चल पाता है इसको। बैसाखी बोलो, बैसाखी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वी हैव सम पोएट्री एंड जोक्स। एक बार जोरदार तालियां फॉर रक्षा तोमर। ऑलराइट गाइस, तो पहले मैं आपको पोएट्री सुनाती हूँ, मैंने क्रश पे लिखी है, सब लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं इससे आई गेस, क्योंकि सबके लाइफ में प्यार होना हो क्रश तो सबको ही किसी ना किसी पे आता है। तो मैंने लिखा था हाँ, तुम्हारे ही मैसेज का वेट कर रही हूँ, बार बार कुछ टाइप करके डिलीट कर रही हूँ, तुम्हें देखने का मौका ढूंढती हूँ, तुमसे बात करने से पहले दिमाग में 100 बार रिकरेक्ट करती हूँ, और हाँ जैसे ही कुछ बोलती हूँ एरर ही निकलता है।
पर तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट से मेरा चेहरा जरूर निखरता है. तुम्हारा नाम लेते ही बटरफ्लाइज फील होती है. तुम्हारे सामने हो तो मेरी कॉमन सेंस होती है. तुमसे बातें करूं या तुम्हारी बातें करूं मेरे लिए प्रमोशन कराने तो नहीं आ गई है. हां हो सकता है चैनल प्रमोशन की. कितनी कूल लड़की है इसको देखेंगे बात लोग होंगे. मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था मगर कभी कह नहीं पाई. लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना था. तुम्हारे नाम से भी हंसती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ हंसना था. मुझे वो लिटिल थिंग्स मेक यू हैप्पी एक्सपीरियंस करना था. हाँ हमेशा से मुझे तुम्हें बहुत कुछ बोलना था लेकिन कभी बोल नहीं पाई. डियर क्रश मुझे तुमसे बहुत कुछ बोलना था. वो ये था कि तुम मेरे लिए आई लाइक यू ओवर एनीथिंग बन गए थे. लेकिन मैंने जब तक तुम्हें समझा तुम चले गए थे. क्या दिया हुआ? तो ये था क्रश पे. पर मैंने समय पे कुछ बंबल पे होता तो वो अपने बायो में क्या लिखता है वो ले जाता कि आई एम नॉट एन एनवायरमेंटलिस्ट बट आई बिलीव इन गो ग्रीन. बाय डे आई एम अ स्टैंड अप कॉमिक एंड बाय नाइट आई एम एन एस्ट्रोनॉट. और उस वो अपने इंटरेस्ट में क्या लिखता? मेरे हिसाब से कौन है वो लिखता? बोलेगा चिल्ला मेरे को तो अपने आ गया एक लौंडी बोलिंग एंड फिंगरिंग. कैन यू एक्सप्लेन दैट? व्हाई वुड आई राइट दैट? आई थिंक यू लाइक प्लेइंग विद योर फिंगर्स एंड होल्स. हमारा मैच हुआ था क्या? पता नहीं मैं बंबल पे हूँ मैच कर सकते हैं. और समय अपने प्रॉम्प्ट्स में क्या चूज करेगा? माय बेस्ट संडे प्लान इज 420 विद माय 420s. और वो अपने बायो में क्या लिख सकता है? वो मैंने ऐसा सोचा है कि आवर फर्स्ट डेट कुड बी फाइन डाइन विद अ ग्लास ऑफ वाइन लेटर डूइंग 69. भाई क्या रेपुटेशन है आपकी. क्या बात है आपका स्कोर भी जोक तो नहीं था. चार लाइन लिखी आपके लिए कि हाथ मिलाएंगे बस कयामत ना करना. हाथ मिलाएंगे बस कयामत ना करना. जब हौले से मिलकर गले मिले तो बगावत ना करना. हम तो इश्क करना चाहते हैं आपसे. आप खाम खा शराफत की वकालत ना करना. उसको भी नहीं जाना. तो रक्षा जी वो सोच रहे तक अंदर से बोलिंग एंड फिंगरिंग. तो रक्षा जी आपने पहले जो पोएम लिखी थी अपने क्रश पे वो भी मैं ही तो नहीं था? नहीं नहीं आपको देख के नहीं लिख सकती. अच्छा वो तो देख लिया मैंने. पर वो पोएम किसके लिए लिखी थी आपने? सो बेसिकली मैं एक ऐसी राइटर हूँ जो सिर्फ. आप राइटर भी हैं? मैं बस लिख देती हूँ. जरूरी नहीं है कि that thing is related to me. So मेरे life में I have never ever dated anyone. I have never been in a male interaction like in an intimate or in a situationship kind of scene. So बस मैंने एक imagine करके लिखा है. पूरा बोलोगे क्या? बोल वही तो यहाँ मेरे इसको नहीं पूनम को impress करने आई. तो मुझे अपने सामने किसी को ना सिर्फ बताया है ये नहीं ये जबरदस्ती लिख के लाई है बल्कि ये हर नहीं सोचा हुआ कुछ हजारों No, but I'm not your leftover. इसलिए वो cancel हो गया. No, I reject you.
नहीं वेरी स्वीट ऑफ यू रक्षा जी थैंक यू मजा आया भाई आप मार्शल आर्ट भी करते हैं हाँ जी मैं नेशनल लेवल मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मोलेश भी करते हैं आप बिल्कुल आप तो एग्जाम डेंजरस कॉम्बिनेशन है भाई भाई बंदे को शरीर भी मैं करूंगी बचाऊंगी You're a crazy party animal also, Raksha. हाँ बहुत मैं like week में 7 days रहते you can find me 7 days partying. जब club बंद रहते हैं 3 दिन dry day रहता है तो मैं house parties करती हूँ और बाकी के दिन मैं club. House parties करते हो काफी जिस दिन clubs बंद रहते हैं of course I prefer. और public आता है बहुत पब्लिक का नहीं पता मैं तो जाती हूँ लोग आते हैं आपके घर पे हाउस पार्टी मैं लोगों के घर पे जाती हूँ मैं अपने घर पे नहीं बुलाता जब उनको ट्राई करना रहता है वो आपसे पॉलिटिक्स करवाते हैं या कॉमेडी ये देखो झूठ झूठ कैसे बोलते हैं आपको रिजेक्शन ज्यादा ऑफेंड हो गया इसकी चाल का हाल देख के बता दो टेंशन मत लो मेरी ड्रू इसका रिजेक्शन अच्छा अगर आपको मैं यस बोलूंगी तो डिक्शनरी खोलना पड़ेगा तो करते ही है देखने के लिए अभी कैमरे में ना स्टैंड अप और पोएट्री का मतलब देख लो फिर अब तुम लड़ो बाहर में बैठो चली लड़ रहा है बैठ के पर अभी मार्शल आर्ट्स करेगी उसे गान मार देगी उसे डेट नहीं किया है उसने डायरेक्ट की है आपको जेन्युइनली मेरे में ऐसा क्या पसंद वो है ऐसा क्या हां फर्स्ट हाइट वन नाइट स्टैंड हां और जो भाई तो बहुत देखती हूं मैं स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं देखो भाई लाल छन उठ रहा है लड़की के ऊपर लड़की ऊपर नहीं इसको बोल रहा है इसमें क्या तू बातें कैसी लग इसमें से बात की ना तो खड़ा हो जा और स्टैंड अप आल्सो कौन सी क्लास में है By the way, nice costume and shoes are looking amazing. Man, I'm so glad I've worn the perfect shirt for this. Oh, yeah, it's no sex. Jutan bol diya, huh? Why par only kisses bhi likha? मुझे ऐसा लग रहा है यार थोड़ा करना पड़ेगा भाई लड़कियों से तो बहुत फेल लेता है भाई मजा आया किसी को फ्रेंड जोन में डाल के आज पर उन्होंने लिखा है मुझे हर दूसरा इंसान मिलना चाहता है पर अब सिंगल हो अभी ओके सो आई एम दैट पर्सनालिटी जो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करती है कि हर इंसान को ऐसा लगता है कि इस बंदी से तो मिलना ही चाहिए इस बंदी से अगर नहीं मिला तो इट्स लाइक कि दूसरी सेम बंदी नहीं मिलेगी बिकॉज आई थिंक आई एम दी ओनली वन तो हर किसी को ऐसा लगता है कि इस बंदी से मिलो बट आई गोस्ट पीपल क्योंकि मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है वो मिलना चाहते हैं पर आप नहीं मिलना हाँ बिकॉज मुझे नए लोगों से पसंद मिलना पसंद है यू नो लाइक यादें सब कैमरे में कैप्चर करते हैं तो यादें कैमरे में ही कैप्चर अच्छी लगती है हमें उन यादों में कैप्चर होना अच्छा नहीं लगता बिकॉज हमें नई यादें बनाना पसंद है ये आपके पोएट्री की तरह था कुछ समझा ही नहीं मुझे पार्टीज में क्लब में उठने वाली बत्ती है यार पूकी जैसा फेस बना के जो रोस्ट फेंक रहे हो मुझ पे क्यों ऐसा नहीं जस्ट फैक्ट्स बोल रहा था अब व्हाट डू यू डू लाइक अदरवाइज ऐसे आप पार्टी इवनिंग्स में करते हो तो डे में लाइक यू अच्छा मतलब बेसिकली बेरोजगार हुआ नहीं हूं पूछ डू यू वर्क सम शी डज ईव डीजिंग जरा कोई मार दे इन द डे टाइम पूनम जी जरा हमारे यूथ को अगर आप सही रास्ता दिखाएंगे ऐसा है भाई क्लास ये मैं बस और कुछ नहीं 4 साल से देख रही है कमाते ही जा रहा है हां मैंने तो ढूंढ लिया है यहां पे लिखा है यू आर स्कैर्ड ऑफ स्ट्रे एनिमल्स आई वांट यू टू नो दे आर प्रोबब्ली मोर स्कैर्ड ऑफ यू या अभी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं कि मैं बोलूं शक्ल पे लिखी कि शायद मुझसे डर सकते हैं तुम दोनों एक हगने वाला कॉमेडी भाई इतनी भयंकर रिजेक्शन की बहन हां वे पहले विवेक के साथ मैं हूंगा मुझे मैं ऐसे कैसे मैं आऊंगी अरे वो लड़की बिल्कुल नहीं पार्टी में लगता होगा कि ये हूर है तो बेसिकली पार्टी में क्लबिंग में तो बेसिकली सब डांस ही कर रहे होते वाइब कर रहे होते और बहुत 3-4 डांसर्स आ जाते दे आर लाइक कोई वनाबी डांसर्स होते हैं कोई जनरल डांसर्स होते हैं किसी को पसंद नहीं है कि वो बंडो के आगे तो मैं वनाबी डांसर्स में से एक हूं जो डांसर्स के साथ नाचती है कंसोल पे मुझे बहुत पसंद है वो चीजें ओके आपको देखना है टच डांस देखना है आपको जो एक दिन की रात अच्छा बचाओगे तो आई डोंट नो वो कह रहे हो कि ओनली वन या आई मीन उन्होंने लिखा म्यूजिक ड्रॉज मी हाई एंड आई एम अ क्रेजी पार्टी एनिमल तो फिर तो अगर कुछ नॉन कॉपीराइट बजा सकते हैं हम नॉन कॉपीराइट के नाम पे वो डांसर्स वाली बीट मत बजाना कि मेरे को कंटेंपरेरी करना पड़े जो मेरे को आता नहीं है
तो आपको आता तो अभी तक तू इडली नया मामा कुछ भी नहीं है भाई बंदा मार्शल आर्ट्स ही अगर आप दिखा देंगे डांस किस तरीके से हाँ वही तो पूनम पांडे के भी सेम यार आपसे ही मिलने मुझे भी रोज नए लोगों छूना है ना भाई तो आप बातें भी तो ऐसी कर रहे हो कि छूना पड़े मुझे भाई यार चेकमेट इनसे ज़्यादा बोलेंगे बिना जाने ठीक है भाई आ जाओ फिर कहीं ऐसा छूना कि YouTube पे डाल पाए हम जरूर मेरा ओनली फैन नहीं है भाई बाहर निकलो मिलते विवेक जाना पड़ेगा आपको विवेक पे ट्राई नहीं कर सकते मैंने कहा अप्रोच किया अप्रोच आपने किया ये तो डांस करा रहे थे आपसे ठीक है आप कुछ नो बोल पाते हैं लाइफ में किसी बात पे एक बार इसको प्रपोज करना अभी अभी दिखेगा नो मैं मे भी बोलूंगी पार्टी का मतलब नो होता है आजकल कंसेंट का सी पता है कुछ किया ही नहीं यार लात मारो जल्दी से कुछ बैठो इधर ओके लात तो पढ़ने वाली है उसको लात तो पढ़ने वाली है लोगों से बैग बनवा के वापस कर देती है आके पैसा ले लेती है और रेडबुल ले लेके अपने बैग में रख लेती है तो बहुत बड़ा स्कैम करती है भाई वही अच्छा वापस दे देगी अपने बैग में रख लेती है उसे कम 6 साल रखती थी उस टाइम करती है और वो होश में रहती है उसमें कोई नहीं मैं भी फिर पूनम पांडे की तरह मुखर जाऊंगा रात मैं नहीं डाल रहा आपको पता है बात एक बार किया था अगर इंडिया जीत गई क्रिकेट में कहती अगर इंडिया जीत गई क्रिकेट में तो आई विल अपलोड अ फोटो फील कर रहा पाकिस्तान ने जान बुझ के हारा था मजाक टकले को सर कहती माय ट्विटर वाज हैक्ड Your parents exist? Obviously. So if they see this, mm-hmm. So how will they feel? मैं बोल दूँगी fictional था, subscripted था. Oh, पर हम ये भी तो डालेंगे. ये क्या? ये जो अभी आपने बोला. तो मैं बोल दूंगी ये भी स्क्रिप्ट का पार्ट था भरोसा मत करो समय है वो और समय का शो है. देखा उसके ऊपर डाल दी तू आया. अगर आप देख रहे हैं हेल्प मी थैंक यू सो मच एक बार रक्षा तोमर के लिए तालियां तो इट्स बीन अ ग्रेट स्पोर्ट दो या शी हैज एक बार मिलना फिर आप जाके मैंने आपको दिए हैं मैं पूनम पांडे का वेट करता हूं सी से तो आई विल गिव यू सिक्स ओह माय गॉड क्या ये क्या था मार्शल आर्टिस्ट फॉर दिस आई एम गिविंग यू एन 8 और अरे ये वो हैंग वाली छपरियां आई एम गिविंग 5 ओके ये कैसा मार्शल आर्ट आई एम गिविंग 7 यू आर अ गुड स्पोर्ट ओह थैंक यू अभी भी ट्राई करना मैं तो ऐसा कर लूंगा कि दूसरा आपका एवरेज होता है 6 ऊपर से निकालने की पड़ेगा अच्छे तरीके से ओह आई हैव गिवन माय सेल्फ 6.5 व्हाट अ
है ना, पूरा उसको बचपन दिख गया। वो एक बंदा था जिसने मेरा ऑडिशन लिया था, ही इज लाइक 6 दे, समय देखो एवरेज 6 ही देगा। मैंने बोला चल 0.5 दे देती हूं, मैं जितनी बकचोदी करूंगी, बट 6 नहीं आया। ओह माय गॉड, दैट वाज सो क्लोज मैन। मुझे नंगी फोड़ डालनी पड़ती भाई मुझे। तो आज मेरे स्कोर ने नहीं, उस बंदे के सजेशन ने आपकी जिंदगी बचाई है। ठीक है यार, रक्षा जी थैंक यू सो मच मैन। ध्यान से ध्यान से, और नहीं गिर सकते आप। इसका याद रहे। वी हैव प्रवीण भैरवा। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था उसने, खुद लगातार वैसे काम कर रही है, ये भी नहीं कि बस करके छोड़ दियो तो बोल। निभाने का वादा किया था उसने, तो अब की पीछे हट रही है, और कहती थी कि तेरे लिए तो मैं जमाने से लड़ लूंगी, और अब घर वालों के सामने फट रही है। न जाने हमारे बीच कितने झगड़े हुए थे। टूट चुके हैं वो जो टूटवाते हुए थे, न जाने हमारे बीच कितने झगड़े हुए थे, टूट चुके हैं वो जो टूटवाते हुए थे, और जब देना ही नहीं था उसे साथ मेरा, तो करवा चौथ पर उसने मेरे पैर क्यों छुए थे। मैं अपनी अकड़ में जकड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी अकड़ में जकड़ गया, वाह। मैं अपनी अकड़ में जकड़ गया, वाह। मैं अपनी जिद पे अड़ गया। ओहो, वो जिद आखिर मुझे तब छोड़नी पड़ी जब उसका बाप मेरे पीछे लट लेके पड़ गया। जो तीन वाला पहले की बेटा तो मेल, उसके सारे गुनाह अपने सिर में इस बार ले लिए, बाद में समझ आया कि मैंने क्या था। अच्छा, मुझे लगा था कि वो फिर से रवाना होने को है, सही वक्त पर मैंने उससे 500 रुपए उधार ले लिए। जीरो दे दे भाई, क्या बात है भाई। क्रेजी, क्या दर्द था यार। क्या हुआ आपके साथ ऐसा भाई? वही जो सबके साथ होता है, क्या ब्रेकअप धोखा। तो आपने ऐसे में कोई लड़की ने आपके पैर छुए थे? हाँ, थी पुरानी बात है। I'm sorry, but it sounded like निब्बा निब्बी वाला। सेम सेम। भाई मेरे को ऐसे लगा कि मतलब फुल दिल से आपने गाया है, मतलब मेरे को थोड़ी छोड़ के गई है, सबको छोड़ के जाती है, छोड़ के गई है। बेसिकली उसने 500 सबसे लिए, नहीं मैंने लिए थे, इसने 500 लिए हैं। वो दूसरी वीडियो है वो। पूनम जी इज लिटिल कंफ्यूज्ड। आपका इंस्टाग्राम आईडी है बॉस आर 15। बॉस आर 15 मेरा स्टेज नेम है। अच्छा, स्टेज नेम है बॉस आर 15 जी। और इंस्टाग्राम पे क्या नाम है आपका? वही है बॉस आर 15। ये मैं बाद में बताऊंगा फिर कभी। आपको क्या लगता है, हम दोस्त बन जाएंगे? मेरा नाम तो आ गया है गानागर में, आगे बढ़ूंगा इंडस्ट्री में तो। अच्छा, बाद में फिर कोई बताएगा। अभी तो पॉडकास्ट में सुनी सुनी सी है बहुत ना। अरे यार, यहां ये सुन तो आ गया, प्लान आ गया है। तो डिलीवरी सही कर रहा है बाद है ना, ये सब गांव से बाहर नहीं निकला होगा। हम लोग भी गांव साइड से पहले गर्लफ्रेंड से 500 लिए थे। हां, वो मैंने बताया था ना शायरी में, वो मैंने उधार लिए थे एक्चुअली। क्या किए था उस 500 का? मोबाइल खराब हो गया था मेरा, फिर मोबाइल ठीक करवाने के लिए लिए थे, और फिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया, मैंने कर लिया ब्रेकअप। ब्रेकअप क्यों किया आपने? नहीं, उसका वो किसी और से चक्कर चलने लग गया था, वो मेरे को तब पता चला। ओह शिट, इसलिए फिर। कैसे पता चला आपको?
15 बार किया है मैंने उससे ब्रेकअप, एक से ही। भाई चीट आपने तो नहीं किया था? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना पूरी बात, जब उसने एक बार किया ना फिर मैंने करना चालू कर दिया था। मेरा तो नहीं होता है, तो बच्चा ही रात में उड़ा रहे। If she cheating, I'm doing it worse. तो आपने चीट किया, उनने चीट किया, फिर आपने चीट किया, उनने चीट किया। तेरे हम सब ने परी की। भाई ये तो लेवल ही है। वापस पिंचर हो जाता था, मैं फिर लॉयल हो जाता था। इसके लिए तो एक हस्बैंड वाइफ भी अगर लॉयल कैसे हो जाते थे? प्रजनन कर रहे हैं ना? तो लिप्पा निपिए। इसलिए हर इसी नंबर निपिए। चार पांच करो एक साथ। तब लिखा इंस्पायर विराट कोहली। पर विराट कोहली के तो मतलब नहीं, मैं विराट कोहली से इसने भी सारी बाउंड्रीज पार कर दी। अरे वाह, देखिए बस जोर वाला प्रवीण भाई के लिए यार। टाइम टू स्कोर प्रवीण भाई, आई लव दिस गाय ब्रो। सुन नहीं रही है क्या? वो सिर्फ आ गई है कि अपना मजाक करने के लिए पैसा लेके। आई हैव गिवन यू नाइन पॉइंट्स लिए सबसे, मतलब ये लेती है ना सबसे 500 रुपए वो चीज की, सब लड़के ही ले रहे हैं। बढ़िया लड़का खेल गया ले। आई हैव आल्सो गिवन देम 9 9 9 9। क्या बात है, देखो मेरे को पोएट्री तक समझता नहीं है। चुपचाप बड़ा आपका कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा मुझे। 10 भाई क्या रे, that makes your average. ये तो वो वाला है, सफेद बकरी को भी खिलाते हैं और काली बकरी रहेगा लग रहा है। अरे भाई भाई ये ले लो स्प्लेंडर। नहीं भूने नहीं भूने ना ब्रो, कौन किसी का स्प्लेंडर चाहिए तू? क्या तो अब ये जो पैसा आया है ले मिलता रहेगा, अभी तो कहां आया हम उधार चुका दें सबका। तो अब क्या करेंगे इस धनराशि का? आप वो मेरा एक कॉमर्स का बिजनेस टप पड़ा है। सही है, सही है। 500 वापस कर दो पहले। नहीं उसके तो निकलने मेरे पास थे, मैंने तब भी नहीं दिए। वो बात ईगो पे आ गई। अब ईगो पे आती तो 1000 वापस करते ना, ये क्या ईगो पे आके चुरा लिया पैसा। उसको उसको याद तो रहेगा ना, अगर दे दूंगा तो भूल जाएगी। अभी बात होती है उससे आपकी? नहीं नहीं होती। क्यों? मैसेज आया था एक बार। क्या आया था? पैसे मांग रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज गॉट टैलेंट। दोस्तों बादशाह और सिद्धांत चतुर्वेदी का एपिसोड अभी मेंबर्स के लिए रिलीज हो गया है। आप सिर्फ 60 रुपए महीने में मेंबरशिप ले सकते हो, वैसे मानना पड़ेगा। हमारे और ये सिर्फ लड़के को करते, छोटी सी गलती भी हमें अपनी बेस्ट जगह और ऊंची बुलंदियों पर पहुंचा देती है। वरना किसने सोचा था आज एक आईटी प्रोफेशनल जो एक अच्छा खासा पैकेज कमा रहा है, वो समय रहना जैसे एक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल के लिए 60 रुपए का मेंबरशिप बेचेगा। बट आई गेस लाइफ इज अनफेयर। उसके लिए सब कुछ नहीं है, तुझसे कुछ गलत नहीं, वो सब सही की है। बाकी किसी ने भी कुछ भी कर दिया है वो गलत है। एवरेज 9 आ गया। इसका हर बार यही कर रहा है, फोड़ी नहीं पा। जाते हुए फोड़ा नहीं बचपन इसने। E-commerce business.
और गया नहीं देंगे। ये लोग अब दे रहे हैं, हम लोग बहुत पहले दे रहे थे बासा सिद्धांत चतुर्वेदी का एपिसोड, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है कि नहीं है, तो थोड़ा सा बातचीत करके इसको करेंगे धधाम। एक घंटे का वीडियो बना दिया है। वो एक घंटे का एपिसोड उन्होंने यहाँ बकचोदी में काट दिया जो क्या कहो इनके बारे में। भाई पहले तो मैं कंटेस्टेंट की अगर बात करूं तो ये लास्ट वाला जो विनर था ये एक वो यादव जी और वो लियो वाला वो लिंगर, इन तीन का मेरे को पसंद आया, बाकी तो किसी का मजा नहीं आया मेरे को, बाकी और कितने लोग थे पता नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को पता इसमें क्या लगी, जज लोगों से कि अकेला वही लगा हुआ था समय, अकेले और कोई तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, किसी ने जोक नहीं मारा, एकदम डेड थे भाई। चलो ये था कि वो जबरदस्ती को पहले दे रहा था, उसका तो काम उसका एक्सपर्टीज ही अलग है ना। हाँ उसका तो मतलब ही अलग था, बाकी खैर उसको क्या ही, गांड से ताली बजाने बोलते बजा देती है, उसको बैठ के अपना हुस्न दिखाना था तो वही कर रही थी, अपना वो काम कर रही थी, बाकी तीन बैठे थे कुछ नहीं कर रहे थे यार। और वो चलो चेस वाला मान लेते हैं एक बार कि उसका अलग है, बट ये बाकी दोनों ना ऐसी है कंटेंट क्रिएटर्स ही है, तो इन लोगों को थोड़ा बकचोदी आना चाहिए था, मतलब ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट, नगर उसको बोलो वो तो अजीब सा निकाल दिया उन लोगों ने। और जैसे उसका देखा है रवि गुप्ता वाला एपिसोड, रवि गुप्ता वाला एपिसोड वो भाई मस्त था, उसमें काफी अच्छे से किया था इन लोगों ने भाई। मेन गेम तो मतलब इम्प्रूव वो तो है जो आ रहा है ऑडियंस, बट जज का भी मेन काम भाई, वो उनको ऐसा कंटेंट देना है और कि लोग मजा आए। सही बात है, और इसमें जज का ही मेन काम है। हाँ कंटेस्टेंट का तो कुछ नहीं है, कंटेस्टेंट तो अपना-अपना करते आ रहे हैं बस, वही ना एक्ट करने के बाद जज जो तुम्हारी रेल करेगा वो है मेन खेल। यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया पूरा, और वो समय नहीं होता तो एकदम फ्लॉप था भाई ये वाला एपिसोड। हाँ। पता नहीं कैसे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सबसे अभी तक का 8 एपिसोड में थे वर्स्ट एपिसोड, पार्टनर चक्कर में और हम लोग चक्कर में थोड़ा और चल जाएगा। हम लोग तो वीडियो बनाया भी नहीं है, बना देते पहले तो क्या होता है इन लोगों का, समय फिर बोलेगा आ जाओ मना करना पड़ेगा उसको, उसको यहीं बैठा लेंगे यहाँ इस रूम पे, अगर आके वो लेटेंट शूट करेगा तो करा सकते हैं यहाँ तो, वैसे अलाउ नहीं करूंगा ज्यादा ऊपर नहीं उठने देंगे उसको, वो ग्राउंड फ्लोर पर शूट कर रहा है। हाँ। फोर्थ फ्लोर पे होगा, ऊपर उठ जाएगा कि नहीं उसके लिए कुछ अलग सेटअप करा देंगे, लेकिन यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठता है। हाँ। वहाँ उसको वो जो कोई इसका जान पहचान का वो जगह फ्री में दे रहा है ना इसलिए बैठ। अरे हम लोग जगह देंगे यार, बहुत जगह है हमारे पास, जगह ही जगह है, यूपी से हम लोग, समझ नहीं रहा तू। तो भाई और कुछ बातचीत करने, वो बातचीत करने लायक है नहीं, रास्ते में सब कुछ बात कर। एपिसोड को रेटिंग दोगे, कुछ रेटिंग दे देते हैं, एपिसोड रेटिंग दे वो तब देंगे कि जब दो तीन एपिसोड कर दिया, या तो हम लोग उनको ही रेटिंग करते जाना चाहिए था जिसने भी इसमें आए थे। हाँ। हम लोग सीधा एपिसोड को करते हैं, आधे से स्टार्ट करते हैं, कर दो भाई इसमें से। मैं दूंगा इसको 2 नंबर, जितने मेरे को कंटेस्टेंट्स पसंद आया तो 3 पसंद आया था तो 2 दूंगा, 3 2 ही मैं भी दूंगा। मैं रेटिंग कर रहा हूँ जजेस की ना। हाँ। 3 लोगों ने वो जो अपना चुपचाप बैठे थे ना उनके चक्कर 3 नंबर काट के। हाँ। मैं सोच रहा हूँ एक और काट दूं क्या, और क्या एक और काटो, पूनम पांडे को तुम नहीं डाउट क्यों दे रहे, एक और नंबर में उसके लिए नहीं काट रहा था, एक नंबर काटा था वो लड़की जो आई थी छपरी। अरे हाँ यार, एक नंबर वो भी सिर्फ समय के लिए, और ये वो बकचोदी नहीं है वहां से, मतलब वो कर रहा था के लिए नहीं, वहां जुदा है वो भी। और मैं भी एक नंबर सिर्फ समय के लिए दूंगा, रिवाइज कर दिया मैंने भी 10 में से, तो फेलियर 8वां एपिसोड तुम लोग का फेलियर था, उतना मजा नहीं आया, जितने भी वाना भी फैंस होंगे वो लोग भले कितना भी बोल रहे हो कि बहुत मजा आया, मजा नहीं आया। समय अकेले मेहनत कर रहा था, मैं तू यार फोन कर, मैसेज डाल, बात कर, मैसेज डाल, देखते हैं, कमेंट कर, देखते हैं करते हैं कुछ बढ़िया करते हैं, चलो एक सीरीज बनाने वाले हम लोग। चलो भाई ये था फेलियर एपिसोड, यहीं पे खत्म करते हैं आज का, सायोनारा। हमने बेमिसाल करते हैं कमाल, हाल ही में कर दिए हैं सबके बुरे हाल।